सात करोड़ में टिकट आया है हम अपना प्रदर्शन उसमें जाहिर करेंगे और जो जिसको खड़ा करेंगे उसको एक वोट और एक नोट लेके आएंगे। कहते हैं धुआं वही उठता है जहां आग लगी होती है। अब सवाल ये कि क्या बीजेपी में टिकट 7 करोड़ में बेचे गए? क्या सही में हरियाणा बीजेपी प्रभारी अनिल जैन ने अपने करीबी को टिकट दिलाने के लिए पैसे लिए? दरअसल ये आरोप बीजेपी के कार्यकर्ता ही लगा रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं सोनू झा और आप देख रहे हैं लिविंग इंडिया। दरअसल 78 उम्मीदवारों के नाम अनाउंस होने के बाद हरियाणा बीजेपी में बगावत के सुर ऐसे उठे कि अपने कार्यकर्ता ही बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाते हुए बहिष्कार पर उतर आए। झज्जर विधानसभा में इसको लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया, बीजेपी के खिलाफ नारे लगाए। दरअसल बीजेपी ने झज्जर से डॉक्टर राकेश कुमार को टिकट दिया है, जिसका शहर के लोग खासकर बीजेपी के कार्यकर्ता विरोध कर रहे हैं। कार्यकर्ताओं का आरोप है कि बीजेपी ने 5 से 7 करोड़ लेकर ये टिकट डॉक्टर राकेश कुमार को दिया है। सुनिए क्या कहते हैं बीजेपी के कार्यकर्ता और कितने गंभीर आरोप ये लगा रहे हैं। 5 से 7 करोड़ रुपए जो लेके आया है वो तो अपने 5 से 7 दिए है, तो 14-15 करोड़ रुपए अपने इकट्ठे करेगा या पार्टी कार्यकर्ता की मदद करेगा पैसे में टिकट खरीद के ला। शहर में ये आवाज आ रही है कि 5 से 7 करोड़ में टिकट आया है, ये अपने पैसे इकट्ठे करेगा या कार्यकर्ता की पूछताछ करेगा, इसलिए हम इसका बहिष्कार करते हैं। कौन सी पार्टी को समर्थन करोगे आप? हम किसी पार्टी को समर्थन नहीं करेंगे, ठीक है? नोटा हम हो सकता है नोटा में वोट डाले, कार्यकर्ता को ये कहेंगे कि नोटा में वोट डालो या हम अपना आजाद उम्मीदवार खड़ा करेंगे, किसी भाई को भी हम खड़ा कर सकते हैं। बीजेपी उम्मीदवार डॉक्टर राकेश कुमार के खिलाफ बैनर के साथ विरोध में उतरे कार्यकर्ताओं ने साफ किया है कि बीजेपी ने बाहरी उम्मीदवार को टिकट दिया है, वो उन्हें कतई बर्दाश्त नहीं। कार्यकर्ताओं ने कहा कि आज तक इन्हें फील्ड में नहीं देखा गया। पन्ना प्रमुख जो 60 लोगों को जोड़कर बूथ को मजबूत करता है, उसकी भी जिम्मेदारी आज तक इन्होंने नहीं निभाई, लेकिन अब इन्हें टिकट दे दिया गया है जो 15 सालों से मेहनत कर रहे कार्यकर्ताओं के लिए नाइंसाफी है। ये झज्जर में जो बाहरी कैंडिडेट लाया गया है, ना तो ये पार्टी का कार्यकर्ता है। पार्टी ने एक जिम्मेवारी दी थी, सबसे नीचे की जिम्मेवारी, जो एक पन्ना प्रमुख होता है, जो एक पन्ने पे 60 वोट होती है, पार्टी ने वो जिम्मेवारी दी थी, उसका भी एक ये प्रमुख नहीं है। फिर इतनी बड़ी जिम्मेवारी पार्टी ने किस एसपी को दी गई है जो हमारे ऊपर ही लाया गया है, ठीक है? ये तो 5 साल से अपने सीएमओ डॉक्टर सीएमओ की नौकरी कर रहा था और एकदम 2 महीने में वीआर से लेके अगर इसको टिकट दे दिया गया तो ये जो 5-5, 10-10 साल से 15-15 साल से कार्यकर्ता मेहनत कर रहे हैं, ये किस लिए इकट्ठे हुए थे? कार्यकर्ताओं ने अनिल जैन के खिलाफ भी मोर्चा खोल दिया है। बता दें कि अनिल जैन हरियाणा बीजेपी के प्रभारी हैं। आरोप है कि डॉक्टर राकेश अनिल जैन के करीबी हैं और इसी वजह से अनिल जैन ने उन्हें टिकट दिलाने में उनकी पैरवी की है और इस टिकट को 5 से 7 करोड़ रुपए में बेचा गया है। बीजेपी के इन कार्यकर्ताओं ने आरएसएस को भी निशाने पर लिया। आपको बताने की जरूरत नहीं कि आरएसएस और बीजेपी के बीच क्या संबंध है। हरियाणा में मनोहर लाल को जब 2014 में सीएम बनाया गया था, उसमें भी आरएसएस की भूमिका सबसे अहम मानी गई थी और डॉक्टर राकेश भी आरएसएस से जुड़े बताए जा रहे हैं। कार्यकर्ताओं का गुस्सा 7वें आसमान पर इसलिए है कि 15 सालों से मेहनत कर रहे कार्यकर्ताओं को दरकिनार कर दिया गया है और आरएसएस के इशारे पर डॉक्टर राकेश को टिकट दिया गया है, जिसका विरोध कार्यकर्ताओं ने झज्जर में किया है। उससे डॉक्टर राकेश आरएसएस का हो या किसी का भी हो, ठीक है, आरएसएस कहती है हम तो पार्टी से जुड़े ही नहीं है, फिर आरएसएस के पास जाते हैं तो आरएसएस कहती है हम तो पार्टी से हमारा कोई लिंक नहीं है, हम किसी को नहीं जानते, हमने तो विकास अपने हल्के का राकेश कौन है कोई नहीं जानता। अब बीजेपी समर्थकों ने ऐलान किया है कि या तो कैंडिडेट झज्जर में बदले जाए, नहीं तो बीजेपी का बहिष्कार किया जाए। बेशक वो नोटा को वोट दे देंगे, लेकिन बीजेपी के उम्मीदवार डॉक्टर राकेश को वोट नहीं देंगे।
दूसरा ऑप्शन कार्यकर्ताओं ने अपने लिए ये भी रखा है कि अगर बीजेपी ने उम्मीदवार नहीं बदले यानी राकेश ही उम्मीदवार बने रहे तो वो आजाद उम्मीदवार को खड़ा कर बीजेपी के खिलाफ मतदान करेंगे और डॉक्टर राकेश को हराने का काम किसी भी कीमत पर करेंगे। हम अपना प्रदर्शन उसमें जाहिर करेंगे और जो जिसको खड़ा करेंगे उसको एक वोट और एक नोट लेके आएंगे हम। ठीक है जी, क्या नाम है? हालांकि इन कार्यकर्ताओं ने ये नहीं बताया कि बीजेपी को किसे टिकट देना चाहिए, लेकिन दबे जुबान में एक आवाज आई सुरेंद्र चौहान के नाम की, यानी ये कार्यकर्ता सुरेंद्र चौहान को यहाँ से उम्मीदवार के रूप में देखना चाहते थे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। हालांकि बीजेपी के जिला महामंत्री कार्यकर्ताओं के इन तमाम आरोपों को निराधार बता रहे हैं। जो कार्यकर्ता मेहनत करता है से पीड़ा तो स्वाभाविक होती है, लेकिन भाजपा का कार्यकर्ता भाजपा में आदमी गौण होता है, संगठन बड़ा। टिकट की घोषणा से पहले बीजेपी ने भले ही ये नारा दिया था कि आपका कैंडिडेट कमल का फूल होगा, लेकिन टिकट की घोषणा के बाद बीजेपी के कार्यकर्ता ये मानने को तैयार नहीं। हालांकि ये शुरुआती दौर है, आगे बहुत कुछ हो सकता है, तो देखिए आगे आगे होता है। नमस्कार।